हॉन्टेड रिजॉर्ट। लोनावला एक ऐसी जगह है जहां मुंबई की भीड़ से छूटकर चैन की सांस ली जा सकती है। ऊंचे पहाड़, हरी और गहरी वादियां, शान सफेद कोहरा, हर साल कई लोगों को अपने पास बुलाता है लोनावला। विकास और रश्मि अपनी कार से लोनावला आ रहे थे। सड़क सुनसान थी और कार कोहरा काटती हुई मानो लोनावला को चूमने आ रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खोन जाएं कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हो हो। और कार एक काफी पुराने रिजॉर्ट के सामने रुक गई। रिजॉर्ट अतिथि। पीछे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स थे, हम वहाँ भी तो ठहर सकते थे। अरे मुंबई से जो जो आएगा वो वहीं ठहरेगा, भीड़ बढ़ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, हमें यहाँ एकांत मिलेगा। शादी के 7 साल बाद भी तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। मैंने सोचा नहीं था। विकास मुस्कुराया और फिर दोनों रिजॉर्ट के अंदर पहुँचे। अंदर आते ही दोनों को जोरदार झटका लगा क्योंकि अंदर होम हवन चल रहा था। काफी सारे पंडित बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिजॉर्ट के स्टाफ ने विकास और रश्मि को घेर लिया। दोनों डर गए। What is this? एक पंडित उठकर आगे आया। उसने विकास और रश्मि के माथे पर उंगलियां रखकर मंत्रोच्चारण किया, फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि मैं आपका स्वागत है। विकास कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मैनेजर बोला, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सर और मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। स्टाफ के एक आदमी ने दोनों का सामान उठा लिया। विकास और रश्मि बिना कुछ बोले उसके पीछे निकल गए। पंडित जी, ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? शायद ये मुंबई से ना हो, लेकिन इनकी कार की पासिंग तो मुंबई की ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इधर विकास और रश्मि कमरे में बातें कर रहे थे। अजीब लोग हैं, हमें यहाँ आने ही नहीं चाहिए था। रश्मि डोंट वरी, पुराना रिजॉर्ट है, लोग भी पुराने ख्यालों के ही होंगे ना, हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और घूमने चलते हैं। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। विकास और रश्मि खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर काफी सारी भीड़ गेट के बाहर खड़ी चीख रही थी। गेट बंद था और रिजॉर्ट का स्टाफ उस भीड़ को रोक रहा था। भागो यहाँ से, तुम लोग मरे हुए हो, भागो। हमें अंदर आने दो, आने दो हमें। अचानक वो आदमी अजीब आवाज में चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होता चला गया। उसका पूरा बदन फूटने लगा और उसके साथ साथ पूरी भीड़ के शरीर से भी खून टपकने लगा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् ओम। भीड़ भयानक तरीके से चीखने लगी। देखते ही देखते नजारा इतना भयानक हो गया। मैंने कहा था ना तुमको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो चलते हैं यहाँ से। रश्मि डरो मत, मैं हूँ ना, तुम रुको यहीं, मैं देखकर आता हूँ। विकास मैनेजर को जाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई बताएगा? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें रुकना ही नहीं यहाँ, हम जा रहे हैं। आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब, कौन रुकेगा हमें? आप? मैं नहीं, उन मरे हुए लोगों की भीड़ जो बाहर रिजॉर्ट को घेर कर बैठी है। आप मुंबई से आए हैं ना? हाँ, लेकिन बात क्या है, कौन थे वो लोग? दरअसल आज सुबह मुंबई और लोनावाला के बीच जो पहाड़ है वो अचानक टूट कर गिर पड़ा, जिसके नीचे सैकड़ों लोग दबकर मर गए। वो सब उन्हीं लोगों के भूत है जो रिजॉर्ट में घुसना चाहते हैं। एक बार वो अंदर आ गए तो फिर कभी बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह से होम हवन चल रहा है यहाँ। यहाँ ही नहीं, लोनावला के सभी रिजॉर्ट में किसी को एंट्री नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हो, रास्ते में हमें तो कोई पहाड़ नहीं मिला गिरा हुआ। वैसे कुछ हुआ होता तो हम यहाँ तक पहुँचते कैसे?
हम भी पहाड़ के नीचे गिरकर मर जाते ना, क्योंकि हम भी तो सुबह ही निकले थे मुंबई से। यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें वो जानना भी नहीं है, हम जा रहे हैं यहाँ से। विकास अपने कमरे में आया तो कमरे में रश्मि नहीं थी। विकास ने बाहर देखा तो रश्मि बाहर रिजॉर्ट का गेट खोलकर खड़ी थी। रश्मि, ये क्या किया तूने? वो घायल थे, बच्चे बूढ़े भूखे प्यासे रो रहे थे, अंदर आना चाहते थे। वो कौन? रश्मि ने हाथ उठाकर विकास को दिखाया। विकास ने गेट के बाहर देखा तो बाहर से अंदर काफी सारे भयानक भूत रोते चीखते चिल्लाते बीवी बच्चों के साथ अंदर रिजॉर्ट में भाग रहे थे। अचानक रश्मि बेहोश हो गई। विकास ने रश्मि को संभाला और वो रिजॉर्ट के अंदर जाते हुए भूतों को देखता रहा। सारे भूत अंदर चले गए। विकास ने झट से रश्मि को कार में डाला और कार मुंबई की तरफ घुमाई। रश्मि बेहोश थी। विकास कोहरे में कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद रश्मि को होश आ गया। रश्मि, डोंट वरी, हम बच गए हैं, रिजॉर्ट में रहते तो मर जाते। रश्मि मुस्कुराई और गाना गाने लगी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। विकास ने सामने एक पहाड़ देखा जो गिरा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा और मजबूती से खड़ा था। पहाड़ देखकर विकास भी रश्मि के साथ गाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और अचानक पहाड़ थरथराया मानो भूकंप हो रहा हो। विकास और रश्मि हंसते हुए अपनी ही धुन में गा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पहाड़ के नीचे पहुंची, पहाड़ फिसल कर कार पर गिरा और विकास रश्मि हमेशा हमेशा के लिए सुहाने सफर में खो गए। खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है, पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान, डरपोक कहीं के, जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। आ, ये क्या किया, ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया, तुम फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था, तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठे हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो,
कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुक कर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदल कर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है। शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदल कर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने, आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। आ, आ, बाबा ये क्या किया तूने? बच्चे ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीन कर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है।